क्या आपको पता है कि ब्लैक होल के अंदर क्या होता है? आज हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली थ्योरी जाती है सिंगुलैरिटी, मतलब ब्लैक होल के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि एटम से भी छोटा होता है। वहाँ पे ब्लैक होल के अंदर जो भी चीज़ जाती है वो उसकी ब्लैक होल की गति की वजह से सिंगुलैरिटी में समा जाती है। दूसरा पॉइंट दिया जाता है वर्महोल्स। जो भी सामान ब्लैक होल्स खींचता है, यूनिवर्स में कुछ ऐसी ब्लैक होल जैसी जगहें होती है जिसे कहते हैं व्हाइट होल, व्हाइट होल उसको अपने अंदर से बाहर फेंक देता है। तो आज तक हम लोगों ने ऐसी ब्लैक होल्स ढूंढ लिया है जो कि लाइट को अपने अंदर से पास तक नहीं होने देते हैं, तो आज तक हम लोग इतने ब्राइट व्हाइट होल क्यों नहीं ढूंढ पाए? हिंस, ये जो व्हाइट होल वाइट थ्योरी है ये रॉन्ग है। तीसरी थ्योरी है कि जो ब्लैक होल का इवेंट होराइजन होता है, यानी एक ऐसी लाइन जिसके अंदर जो भी चला जाए कभी लॉस नहीं हो सकता, उसके अंदर जो भी जाता है वो जल जाता है। तो लाइट के पार्टिकल कैसे जल सकते हैं जो सन के करोड़ों डिग्री टेम्परेचर पे नहीं जलते, वो यहाँ कैसे जल सकते हैं? मतलब ये वाइट थ्योरी भी गलत है और सिंगुलैरिटी सच है।